सपोज अगर कोई डॉक्टर होलोलेंस पहन के किसी पेशेंट को देखता है, मतलब उसके अगर हार्ट को देखता है, तो वो उसके जो हार्ट का है उसके अलग अलग पार्ट्स करके उसके अंदर डीपली देख सकता है उसके हार्ट में क्या दिक्कत है और आसानी से उसका सोल्यूशन प्रपोज कर सकता है। मिश्रा जी की बात और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3D होलोग्राम बाय माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला होलोलेंस मार्च 30, 2016 इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में अभी 2019 में उनका सेकेंड जनरेशन मतलब सेकेंड वर्जन आ गया है। होलोलेंस में क्या है कि उस डिवाइस को जैसे ही आप अपने सर पर लगाओगे तो जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। सपोज आप DC मोटर देख रहे हो तो अगर आप होलोलेंस लगा के उस DC मोटर को देखते हो तो आपके जो आप वो जो इंटरनल पार्ट्स है उनको एक एकदम अच्छे से देख सकते हो, एकदम डीपली देख सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या है। सपोज अगर कोई डॉक्टर होलोलेंस पहन के किसी पेशेंट को देखता है, मतलब उसके अगर हार्ट को देखता है, तो वो उसके जो हार्ट का है उसके अलग अलग पार्ट्स करके उसके अंदर डीपली देख सकता है उसके हार्ट में क्या दिक्कत है और आसानी से उसका सोल्यूशन प्रपोज कर सकता है। सो अभी उसी होलोलेंस में कुछ चेंजेस किए गए हैं और उसकी मदद से आप अपना जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हो। सो अभी जापान में एक अराउंड 1 वीक पहले माइक्रोसॉफ्ट ने होलोलेंस का प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें उन लोग ने मतलब क्या किया था कि अपना जो रिकॉर्डिंग था वो रिकॉर्ड किया था और उसके बाद में उसको जापानीज में प्ले किया था। सो सपोज मैं बोलता हूँ आई एम मयंक मिश्रा और मुझे ये डिलीवर करना है गुजराती में, सो उसका क्या होगा, मारू नाम मयंक छे, तो उसी चीज़ को वो आपके टोन में बोलता है। तो इसमें ये लोग मिक्स्ड रियलिटी का यूज़ कर रहे हैं, AI का यूज़ कर रहे हैं और टेक्स्ट टू स्पीच यानी TTS का यूज़ कर रहे हैं। सो जब मैं बोलता हूँ आई एम मयंक मिश्रा तो उसको वो आई एम मयंक मिश्रा नोट डाउन करता है डिवाइस, फिर उसको गुजराती में कन्वर्ट करता है मारू नाम मयंक छे और फिर उसके बाद में उसको मेरी टोन में रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी रोबोटिक टोन में। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे इसका वो जापानीज वर्जन कैसे डिलीवर हो रहा था। सो और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जैसे कि मैं कुछ मैं अगर अपने फादर को देखना चाहता हूँ, सो मेरे फादर क्या करेंगे, कुछ कैमरा के सेटअप्स होते हैं 3D होलोग्राम के, वो करेंगे और उसके बाद में वो जो जो करेंगे और मैं अगर इधर 3D होलोलेंस पहन लेता हूँ सो मैं अपने फादर को सामने देख सकता हूँ। वीडियो कॉलिंग जैसे हम करते हैं ना, वैसे ही होलोग्राम कॉलिंग जैसा कुछ कर सकते हैं। जैसे हम रोबोट मूवी में हम लोग ने देखा था कि जो डॉक्टर था वो अपने रोबोट से बात कर रहा था, तो उस तरीके का कुछ हो पाएगा। सो दोस्तों ये था अपडेट 3D होलोलेंस के लेके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना।